हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जल्लीकट्टू के बारे में। क्या है जल्लीकट्टू और क्यों ये न्यूज में है, ये भी हम लोग देखेंगे। पर अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो जल्लीकट्टू जो एक मलयालम मूवी है, उसको भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल एंट्री माना जा रहा है और 2021 के लिए इसको चुना गया है। और किस चीज पर बेस्ड है ये? एक कंट्रोवर्शियल ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट जो है उसके ऊपर बेस्ड है। साथ ही लीजो जो स्पेलिसरी जो है इसके डायरेक्टर है। और एक्टर्स की बात करें तो एंटनी वर्गिस, चंबन जोस, साबुमॉन जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर्स है इसमें। लेकिन इसकी स्टोरी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बुल की स्टोरी बताई गई है जो एक गांव से भाग जाता है। इडुक्की नाम का एक विलेज है केरला में, तो वहां से ये भाग जाता है और कैसे वहां की जो सिचुएशन है वो अपसाइड डाउन हो जाती है उसके बुल के भागने के बाद से। तो ये सारी चीजें उस पर है। तो 93rd एकेडमी अवार्ड या जिसको ऑस्कर्स भी कहा जाता है, उसके लिए इसको ऑफिशियल एंट्री की तरह भेजा जा रहा है। इसके पहले गली बॉय को चूज किया गया था, जो ऑब्वियसली वाज नॉट वर्थ, बट ये माना जा रहा है कि जल्लीकट्टू एक पाथ ब्रेकिंग मूवी की तरह इसको लिया जा रहा है, और हो सकता है इससे बहुत लोगों की बहुत सारी उम्मीदें भी जुड़ी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है जल्लीकट्टू का ऑफिशियल पोस्टर। तो ये एक स्पोर्ट होता है कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें बुल फाइट बेसिकली कहा जाता है इसको। और ये आप बुल देख सकते हैं और यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, तो इस तरीके से इसको खेला जाता है। ये ना सिर्फ स्पोर्ट जो है ना, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है 1-2 साल पहले। और क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि इस पे बैन लगा देना चाहिए, तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। आगे बात करें तो देखिए, ये जो मूवी है जल्लीकट्टू, ये रिलीज हुई थी 2019 में, अक्टूबर 2019। साथ ही टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसको प्रीमियर किया गया था। और जो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है साउथ कोरिया का, उसमें भी इसको प्रीमियर किया गया था, ठीक है। और साथ ही इसको काफी क्रिटिकल अक्लेम्स भी मिले हैं। पहले सर, जो डायरेक्टर है इस मूवी के, उनको 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो ये देख सकते हैं, ये है डायरेक्टर मूवी के, और ये इनकी सेकेंड मलयालम फिल्म है जो ऑस्कर के लिए चुनी गई है भारत की तरफ से एंट्री। और अगर बात करें तो इसके पहले 2019 में, सॉरी 2020 में जोया अख्तर की गली बॉय को चुना गया था, जो ऑब्वियसली वॉज अ नॉन डिजर्विंग मूवी। तो जल्लीकट्टू जो है ये पहली सारी की एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, पर यहाँ पर पहली सारी है, उनकी और भी बहुत सारी मूवीज है, जैसे अनगमलय डायरीज और ए मा याऊ जो है, इनकी दो मूवीज है जिनको पाथ ब्रेकिंग कंसिडर किया जा रहा है, ना सिर्फ मलयालम सिनेमा में बल्कि इंडियन सिनेमा में भी। तो एक बहुत अच्छी चॉइस माना जा रहा है इसको। अब सारे लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये आगे तक जाए मूवी जो है। और वही फिल्म क्रिटिक जो है भारद्वाज रंगन, उनका कहना है कि हम लोग इस तरीके की एंट्रीज भेजते हैं जो ड्रामाज होती है, उससे काफी अलग है ये मूवी। तो एक बहुत ही ज्यादा उम्मीदें इससे लगाई जा रही है। और अगर हम लोग बात करें, जो रंगन जी है क्रिटिक, वो ये कहते हैं कि हमको ना सिर्फ ऐसी मूवीज को प्रमोट करना चाहिए, बल्कि उनके उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चल सके और ये जो टैलेंट है वो भी सबके सामने आ सके। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लगभग 10 करोड़ या उससे ज्यादा की धनराशि यहाँ पर लग सकती है इन ऐसे फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। तो पहली सारी जो है वो उनकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है। बट यहाँ अगर ऑस्कर्स की बात करें, जिसको एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, तो 93rd एकेडमी अवार्ड्स के लिए इसको ऑफिशियल एंट्री की तरह भेजा जा रहा है इंडिया की। बट यहाँ पर कुछ मूवीज है जिन्होंने फाइनल लिस्ट में जगह बनाई है अपनी। तो मदर इंडिया 1957 में पहली मूवी थी जिसको ऑस्कर मिला था इंडिया की। सलाम बॉम्बे 1988 की फाइनल लिस्ट में थी, और लगान 2001 की फाइनल लिस्ट में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।